नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और रामचंद्रन की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है और अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्र की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है और दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पेरारीवलन की तरह समानता के आधार पर रिहा करने की मांग की है। साथ ही मामले का फैसला होने तक अंतरिम जमानत भी मांगी है। वहीं रविचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर मांग की थी कि उसे उसी तरह रिहा किया जाए जिस तरह पेरारीवलन को रिहा किया गया था। साथ ही रविचंद्रन ने यह भी अनुरोध किया है कि जेल से रिहा होने का मामला पूरा होने तक उसे जमानत दी जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड दोषियों में से एक पेरारीवलन को रिहा कर दिया था और नलिनी ने भी दोषी एजी पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। इससे पहले नलिनी और रविचंद्रन ने राहत की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं है और वह रिहाई का आदेश नहीं दे सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन के लिए किया था। एक्चुअली ये मामला जो है राजीव गांधी की हत्यारों को लेकर है और ये दोनों एक्यूज्ड चूंकि आजीवन कारावास के एक्यूज्ड हैं और इन्होंने इस आधार पर एक याचिका फाइल की है कि पेरारीवलन जो एक बंदा था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था और छोड़ दिया था, उसी समानता के आधार पर मुझे भी छोड़ा जाए और मेरी सुनवाई की जाए। हाल फिलहाल अंतरिम मुझे रिलीफ दिया जाए, अंतरिम रिलीफ के रूप में अग्रिम जमानत के लिए अंतरिम जमानत के लिए जो आवेदन फाइल किया था तो अंतरिम जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभी आपका आवेदन एक पक्षी है, जब तक कि हम दूसरे पक्ष को न सुन लें तब तक आपकी जमानत पर हम विचार नहीं कर सकते। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है कि आप अपना जवाब पेश करें। 14 अक्टूबर अगली डेट लगी हुई है, देखते हैं अगली डेट तक जवाब पेश करने के बाद में कोर्ट का क्या व्यू होता है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।